हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2022 की लेटेस्ट मॉडल है। इसकी वीडियो हमने पहले बहुत सारी डाली हुई है दोस्तों, और आज भी हम वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ स्पेशली हमारे यूट्यूब में वीडियो देख के हमारे कस्टमर आए हैं राजस्थान से, भीलवाड़ा से स्पेशल मशीन लेने के लिए आए। तो मशीन का लाइव डेमो दिखा रहे हैं इनको, और मशीन को पैकिंग करके साथ में डिस्पैच करके मशीन को भेज देंगे दोस्तों। तो हम इस मशीन की पूरी लाइव वीडियो स्टेशन देंगे दोस्तों। इसमें कैसे मटेरियल फिल किया जाता है, कैसे मटेरियल बनाया जाता है, मशीन में कैसे डाला जाता है, आइसक्रीम कैसे निकाला जाता है, एक आइसक्रीम कितने का कौन गिरता है, मार्केट में कितने में सेलिंग होता है, मशीन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या खासियत है, वो वीडियो के अंदर भी बताएंगे और हमारे जो कस्टमर है उनको भी बताएंगे। तो थोड़ा हम सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो सर। नमस्कार, कैसे हो सर? सब ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? हेमराज गोस्वामी है। हेमराज गोस्वामी जी, अच्छा। और सर, आपको हमारे डॉल्फिन कंपनी का रेफरेंस कहाँ से मिला सर? सर, इंडिया मार्ट से और आपके यूट्यूब चैनल। इंडिया मार्ट और यूट्यूब में से आपने सर्चिंग किया होगा? अच्छा, बराबर है। फिर आपने कंपनी में इंक्वायरी किया होगा, कॉन्टेक्ट किया होगा कंपनी में? अच्छा, तो आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल में हम बताते हमारे व्यूवर्स को, हमारे कस्टमर को जो बताते हैं यूट्यूब चैनल में कि हमारा काम ऐसा है ऐसा है, तो आपको एक्चुअल लगा ओरिजिनल लगा काम यहाँ पे हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बोलते हैं वो चीज ओरिजिनल लगा आपको यहाँ पे? बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा, अभी सर आप कब आए सर यहाँ पे? हम कल आए थे, संडे को आए थे। कल संडे को आए थे, तो अहमदाबाद में रुके हो गया? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में भी आपने मशीने देखी होगी दो तीन कंपनी में? अच्छा, तो हमारी मशीन और उनकी मशीन में फर्क दिखा होगा आपको? फर्क है सर, फर्क दिखा, क्वालिटी रिजल्ट में फर्क दिखा है? बिल्कुल दिखा सर। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम भी, पापा है मेरे। आपके फादर ही साथ में आए क्या? अच्छा सर, साथ में आए मशीन को देखने के लिए, डेमो देने के, दिखाने के लिए। तो हम मशीन का डेमो भी देंगे, इनको बताएंगे भी, और इनसे इनको आइसक्रीम टेस्ट करके बताएंगे, और आपके सामने रिव्यू देंगे कस्टमर के, इनको टेस्ट भी कैसा लगा, क्वालिटी कैसा लगा आइसक्रीम का, सॉफ्टनेस, क्रीमनेस और क्वालिटी, इसमें हम जो फ्लेवर बना रहे हो कैसा लगा, वो हमारे सर आपको रिव्यू भी देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 4 लीटर मिल्क लिया है इसमें, इसका जो रेसिपी का पाउडर रहता है हमारा, जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर से इसका, तो स्ट्रॉबेरी में 1 किलो पाउडर में 4 लीटर मिल्क जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर से आपको 115 से 120 कॉर्न बनेंगे इसके अंदर से। 4 लीटर प्योर मिल्क रहेगा और 1 किलो पाउडर रहेगा। 200 रुपए का 1 किलो पाउडर रहता है, और 4 लीटर मिल्क आपको रहेगा अराउंडली 60 रुपीज लीटर के हिसाब से 240 रुपए का मिल्क हो जाएगा। इसलिए 440 रुपए के अंदर आपको 115 कॉर्न बनेंगे। इसलिए अराउंडली सब कॉस्ट मिला के, कौन है, फ्लेवर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क के सब मिला के आपको 5.5 से 6 रुपए का एक कॉर्न लैंड आएगा इसके अंदर, और बाजार में आप आराम से 15 रुपए तक सेल कर सकते हो इसमें। तो चलिए, हम इसके अंदर सबसे पहले मशीन तो हमने ऑलरेडी वॉश कर दी, अभी हम इसके अंदर मिल्क डाल के इसका फ्लेवर का रेसिपी बना रहे हैं। ये 4 लीटर मिल्क है, 500 ग्राम का एक थैली है, इसके टोटल 8 बैग्स है, हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। फ्लेवर हमने इसमें डाल दिया है, दूध डाल दिया इसके अंदर। अभी इसका जो फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, इसके अंदर पाउडर डाल देंगे। ये खाली आपको पाउडर ही डालना है, ना इसके अंदर कोई शक्कर डालना है, ना कोई स्माइल डालना है, कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, सब एवरीथिंग मिक्स ही रहता है। ये मिक्स हो चुका है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अभी हम दोनों में आधा आधा डाल देंगे इसमें, 2-2 लीटर।
तो फिलअप हो गया इसके अंदर, मटेरियल डाल दिया हमने। अभी यहाँ पे इसका फंक्शन है, एक तो वॉश का फंक्शन है इसके अंदर, एक फ्रीज का फंक्शन है। जब आइसक्रीम जमाना है अपने फ्रीज का फंक्शन देना है इसको। अच्छा, तो फ्रीज का फंक्शन हमने दबा दिया। अभी मशीन में आइसक्रीम जमाने का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम आप मशीन जब चालू करेंगे 10 से 12 मिनट टाइम लेगा आइसक्रीम को जमाने के लिए। एक बार आइसक्रीम रेडी हो जाएगा मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा पूरा। अब आइसक्रीम बन के रेडी, फिर जब आप आइसक्रीम निकालेंगे, 2-3 कोन निकाला तो उसका दूध वापस लेके 1-2 मिनट चल के वापस बंद हो जाएगी मशीन। फिर आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, ऊपर से माल डालते रहो, नीचे से निकालते रहो, ऊपर से डालते रहो, निकालते रहो। 1 घंटे के अंदर 350 कोन या कप तक आप निकाल सकते हो, और 1 शॉट के अंदर 50 कोन तक निकाल सकते हो। एक ही साथ में अगर 50 कस्टमर इकट्ठा आ जाते हैं तो एक ही समय के अंदर आप 50 कोन बना के दे सकते हो। क्योंकि इसके अंदर हमने 2 कंप्रेसर सिस्टम डाला है। एक बड़ा कंप्रेसर है 1.5 HP का, इंबरको कंपनी का, जो 1.5 टन का कंप्रेसर है, और दूसरा 0.25 टन का है, जो ऊपर मटेरियल को ठंडा रखता है। इसको दूध जो रहता है उसको फटने या खराब होने नहीं देता है। प्लस इसमें हमारी मशीन में डिजिटल एयर पंप है, उसमें आइसक्रीम में कितना आपको एयर फिल करना है, कम ज्यादा करना है, वो इसके अंदर आप एयर फिल कम ज्यादा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद हम फिर से आपके सामने लौटते हैं, और सर को आइसक्रीम निकाल के खिला के टेस्ट करके पूछते हैं कि कैसा टेस्ट लगा इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी इसमें आइसक्रीम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 94% है, और आइसक्रीम का शेप पूरा तैयार होकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में -8 का टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें, और 99% तैयार दिख रहा है इसके अंदर आइसक्रीम, देखिए। और यहाँ पे आइसक्रीम भी पूरा तैयार है, कंप्रेसर बंद हो चुका है मशीन का, अभी मशीन भी स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर में, साइलेंट हो जाएगा पूरा मशीन। और 13 का टेम्परेचर इसका हमने जो टैंक है जिसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाला है उसका है, और यहाँ पे दोनों मटेरियल भी डाला है। आप देखिए एयर फिल हो रहा है इसमें, बबल आ रहा है पूरा एयर में, दोनों बाउल में बबल आ सुखा चुके हैं। ये मशीन बंद हो चुका है, साइलेंट बंद हो चुका, मशीन हो गया बंद। अभी आइसक्रीम तैयार है दिखा रहा है इसके अंदर। अभी हम जिसमें से आइसक्रीम निकालेंगे वैसे मशीन वापस चालू होगा, और ऊपर से 2 कोन का मिल्क लेके वापस उसको 30 सेकंड 40 सेकंड में जमा के वापस ऑटो कट हो जाएगा। अभी हम आइसक्रीम निकाल के हमारे सर उनको टेस्टिंग करा रहे। आज भी जाओ, हमारे सूरत से भी एक कस्टमर आए हुए सोडा मशीन लेने के लिए। आइए सर यहाँ पे आ जाइए, सोडा मशीन लेने के लिए आए। महेश भाई दवे। और किसके लिए आए सर आप? सोडा मशीन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टी मशीन का दिखा, अच्छा, तो वो वही भी क्या आप डेमो देख रहे हैं अभी, उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या आगे देखना है वो? और सोडा मशीन का आपने सब डिटेल दे दिया हमने आपको, बताया सब का डिटेल दे दिया है, हमने भी ले लिया, तो अच्छा लगा जो आप बात कर रहे हैं, कैसे कैसे जो समझाने का जो ट्रिक है वो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा सर, अभी सर को हम इसमें से आइसक्रीम भी निकाल के बताएंगे सर को। सॉफ्टी स्ट्रॉबेरी का जो बनाया है भी निकालेंगे इसमें से, लीजिए सर। कैसा लगा सर, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा है, सॉफ्ट और क्रीमी लग रहा है। बहुत क्रीमी। अच्छा, और फ्लेवर भी टेस्ट बढ़िया है। बढ़िया टेस्ट है। अच्छा सर, आपको कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लगा सर। अच्छा है टेस्ट। हमको टेस्ट कराया हमने, और इसमें आइस आ रहा है, बर्फ का भाग आ रहा है जरा भी? बिल्कुल हल्का 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 है, इसलिए आइस नहीं, सॉफ्ट लग रहा है ना पूरा, क्रीमी लग रहा है। जो बर्फ क्रिस्टल बोलते हैं कचकच होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है ना उसके? बिल्कुल सॉफ्ट है। आपको कैसा लगा सर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टेस्ट अच्छा लगा इसके अंदर? सही है। अच्छा। नेचुरल जैसा है। नेचुरल जैसा टेस्ट लगा एकदम।
तो सर को हमने सब मशीन में से पूरा टेस्टिंग करके बताया कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है इसके अंदर। सर क्या डिसीजन क्या होगा आपका मशीन का? बहुत बढ़िया डिसीजन था सर। आप क्या डिसीजन क्या करेंगे, लेंगे मशीन? बिल्कुल ले रहे हैं सर। लेंगे मशीन? अच्छा, और आपको सर कवर दिया था हमने, कहा है सर इसका जो बिल दिया हुआ था? वो हमारे पास ही है, बैग में ही पड़ा है आपका? बैग में पड़ा। सर ने ऑलरेडी मशीन बुकिंग करा ली है, सर को ये सर की मशीन है, इनके अंदर भी हमने टेस्ट करा दिया है। अभी सर मशीन को साथ में ही पैकिंग करवा के डिस्पैच करवा के साथ में ही जाने वाले है, ठीक है? तो सर को हमने बिल और उसके डॉक्यूमेंट्री भी सर सब दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर को हमने बिल और सब दे दिया, इनके नाम का ही पूरा डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करके दे दिया हमने। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पे आए फैक्ट्री पे, हमको अच्छा लगा। हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं हमको अच्छा लगता है कि विजिट के लिए आते हैं। आपको भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी आइए हमारी फैक्ट्री में, मशीन देखिए, क्वालिटी टेस्ट कीजिए और मशीन को चेक कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।